देखिए, सर्वप्रथम तो आप सिरसा के तमाम पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप तमाम किसान नौजवान साथियों की आवाज़ को आम जनता और शासन प्रशासन के बीच पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए डब्बावली विधानसभा के तमाम किसानों, मजदूरों, नौजवानों की ओर से आपका हृदय तल से आभार। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला NH 754 के NH 54 जो कि अमृतसर से वाया डब्बावली होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात कांडला तक जाएगा। डब्बावली के 9 गांव के किसानों की भूमि वर्ष 2019 में हरियाणा की गठबंधन की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अधिग्रहण करती है। उसमें किसानों का जो भूमि का अवार्ड था वो अवार्ड तो अधिकतर आ गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर का हमारा अवार्ड था मुख्य रूप से हमारे इन 9 गांव में जो पेड़ अधिग्रहण हुए, हमारे जो मकान अधिग्रहण हुए, हमारी जो दुकानें अधिग्रहण हुई, हमारे खेत में बनी हुई जो ढाणियाँ अधिग्रहण हुई, हमारे जो गोदाम अधिग्रहण हुए, तमाम जो हमारा संरचना था 9 गांव का, करोड़ों रुपए का स्ट्रक्चर हमारा इसमें अधिग्रहण हुआ है। चाहे कोई धर्मकांटा था, 9 गांव का स्ट्रक्चर। अब वर्ष 2019 में जब भूमि का अवार्ड हमें दिया गया, उस अवार्ड में बड़ी असमानता थी। चोटाला गांव का जो अवार्ड था भूमि का, 40 लाख रुपए से लेकर के 45 लाख रुपए के करीब था। दूसरे जो गांव है, डब्बावली गांव है, अलिका गांव है, जोगेवाला गांव है, सक्ताखेड़ा, जो शेरगढ़, इन गांव का भूमि का भी अवार्ड कम था, एक समान अवार्ड नहीं था। हमने राजस्थान नहर के ऊपर किसान नौजवान साथियों ने एकजुट होकर के वहाँ आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का परिणाम उसका सकारात्मक रहा, अवार्ड एक समान हुआ। उसी समय हमने मौजूदा जो वहाँ डब्बावली के SDM थे, हमने ये मांग रखी थी कि SDM, DRO, NHAI के PD, VRC कंपनी के लोग, तमाम लोग प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करें कि जल्द से जल्द 9 गांव के किसानों का स्ट्रक्चर का जो अवार्ड है, इसमें कोई मुआवजा नहीं कह सकते हम, ये हमारा स्ट्रक्चर अधिग्रहण हुआ है और हमारे स्ट्रक्चर की जो बढ़ती राशि है, जो सरकार राशि दे रही है, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि बाजार भाव से इतना गुणा दो या हम कोई ज़्यादा की मांग कर रहे हैं। जो सरकार राशि दे रही है वो राशि हमने कहा कि तुरंत प्रभाव से किसान के खाते में डाली जाए। अब विगत 4 वर्ष से संबंधित जो निजी कंपनी है VRC, जो NHAI के कर्मचारी अधिकारी हैं, जो DRO हैं, जो सिरसा के दूसरे अधिकारी हैं, सब लोग 4 साल से ये कहते हुए आ रहे हैं कि अगले 15 दिन में आपका अवार्ड आ जाएगा, अगले 15 दिन में आपका अवार्ड आ जाएगा। जब भूमि अधिग्रहण होने के बाद में जब जबरन वहाँ कब्जा कार्रवाई की गई VRC के लोगों द्वारा और पुलिस प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त थे, वहाँ हमारा ये कहना था कि जब तक स्ट्रक्चर का अवार्ड नहीं आता हम तब तक इस जमीन का कब्जा नहीं देंगे 9 गांव में। लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। भारी पुलिस बल, आप पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के वहाँ VRC के लोग पहुँचे, लाठी और गोली के दम पर इन्होंने कब्जा कार्रवाई की। जब किसान की बात को नहीं सुना गया, हमारे पास कोई विकल्प शेष बचा ही नहीं था। उसके बाद 2 किसान साथी और मेरे साथ 2 किसान साथी, हम 3 लोग डब्बावली गांव की जलघर की टंकी के ऊपर चढ़े। 32 घंटे टंकी के ऊपर संघर्षरत होने के बाद आधी रात को वहां हरियाणा की गठबंधन सरकार के साथ समझौता होता है। लेकिन उस समझौते में जो हमारी बातें तय हुई थी कि 9 गांव में 6x7 के सिंचाई खाल बनाने हैं, ये सिंचाई खाल नहीं बनाना चाहते क्योंकि सिंचाई खाल में स्ट्रक्चर ज़्यादा इनको लगाना होता है, राशि ज़्यादा खर्च हो रही है, खर्च हमारा पैसा हो रहा है, टैक्स के रूप में आम जनता का पैसा सरकार के पास NHAI के पास जा रहा है, वही पैसा खर्च करके किसान को खेत में सिंचाई खाल बना करके देना है, नहीं बना रहे, पाइपलाइन डाल रहे, समझौते से मुकर गए। उसमें ये तय हुआ था समझौते में टंकी के ऊपर कि 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर किसान का संपूर्ण स्ट्रक्चर का अवार्ड जारी कर दिया जाएगा। आज टंकी आंदोलन को भी 1 वर्ष से ऊपर हो गया, नहीं जारी कर रहे। तमाम उस समझौते में अंडरपास देने की बातें हुई थी। चोटाला गांव का जो मुख्य बस स्टैंड है, देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है कि चोटाला गांव की सत्ता में भागीदारी है।
हमारे गांव के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला, जो कि आज इस प्रदेश सरकार में सत्ता में उनका हिस्सा है, हमारे गांव के बिजली एवं जल मंत्री जो कि सरकार में बैठे हैं, हमारे गांव के 5 दूसरे विधायक जो कि पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से चुन करके वो गए हरियाणा की विधानसभा में बैठे हैं, सिटिंग विधायक जो कि कांग्रेस के हैं, और चौटाला गांव को अंडरपास नहीं मिल रहा साहब, मुख्य बस स्टैंड के ऊपर अंडरपास नहीं मिल रहा, जहां किसान चाहते हैं कि यहाँ मुख्य बस स्टैंड बनाया जाए, वहां संबंधित वीआरसी कंपनी बस स्टैंड नहीं बना करके दे रही, सिंचाई खाल नहीं बना करके दे रहे। मुख्य जो अब लड़ाई है, आज परसों वीआरसी कंपनी के लोग, निजी कंपनी वीआरसी, वो अपने 50 से अधिक बाउंसर और पुलिस प्रशासन के लोग, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्थानीय जो तहसीलदार हैं, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में चौटाला गांव पहुंचे और किसान की डिग्गी जबरन तोड़ रहे थे। जब किसान साथियों ने हमसे संपर्क किया, मैं और मेरे किसान साथी वहां पहुंचे, पुलिस के लोग जो कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुख्य रूप से वीआरसी कंपनी, निजी कंपनी के लोग और निजी कंपनी के बदमाश अराजक तत्व जो थे वहाँ, वो लोग किसानों को धक्के मार रहे हैं, किसानों को चोट मार रहे हैं। होना तो पुलिस को आगे चाहिए था, अगर किसान कंपनी को कब्जा नहीं दे रहा तो पुलिस बीच बचाव करेगी, ये काम पुलिस का है कि अगर कोई विवाद की स्थिति वहाँ बन रही है तो पुलिस बीच बचाव करके उस विवाद को रोके। नहीं, वीआरसी के गुंडे जो कि आगे आकर के किसान को धक्के मार रहे हैं और पुलिस है जो कि वीआरसी को कवरिंग फायर दे रही है। डिग्गी का सरकारी अवार्ड नहीं हुआ, एज ए सिक्योरिटी 13 लाख रुपए का चेक किसान को दे दिया गया, एज ए सिक्योरिटी, सरकारी अवार्ड नहीं हुआ। हमने वीआरसी कंपनी को कहा कि आपको किसने अथोराइज कर दिया कि आप 13 लाख का चेक दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो एज ए सिक्योरिटी दे रहे, जब सरकारी अवार्ड हो जाए ये 13 लाख रुपए का चेक आप कंपनी को वापस दे देना। चलो फिर भी हमने सहमति दे दी कि आप डिग्गी तोड़ लें। वहां हमने 9 गांव के डिग्गी पर सहमति बनने के बाद चौटाला गांव में हमने 9 गांव का संबंधित कंपनी को कह दिया कि ये 9 गांव का हमारे पास आंकड़ा है। किसान प्रतिनिधियों ने समय में ये आंकड़ा एकत्रित किया और ये 9 गांव का आंकड़ा हमने कंपनी को दे दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर था, हमने कह दिया कि इन 70 के करीब किसान हैं, इनको छोड़कर आप दूसरी जगह कब्जा कार्रवाई कर सकते हैं, इन किसानों का अवार्ड बकाया है। बाकायदा मेरा पास ये हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे दिलीप कुमार भाटी है चौटाला गांव के, 60+620 ये चैनल नंबर है और मकान का अवार्ड बकाया पड़ा है। इस प्रकार हमने लिख करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दे दिया, वो बोले कि इनमें भी ऐसे किसान हैं जिनका अवार्ड आ चुका है और हम मकान तोड़ेंगे, वो कब्जा दे नहीं रहे, जबरन घुसेंगे। हमने कहा भाई अगर अवार्ड इनमें आ चुका है तो आप 7 दिन का समय दे दें, किसान स्वयं अपना स्ट्रक्चर वहाँ से हटा लेगा। कंपनी बोली 1 घंटे का समय नहीं देंगे। जब इनका गोदाम तोड़ा जा रहा था, हम लोग बुलडोजर के आगे गए, मैं दीवार के पास खड़ा था गोदाम की, कंपनी के प्रतिनिधि बोले, निजी कंपनी के लोग, कि बुलडोजर आप इनके ऊपर चढ़ा दें। मैं दीवार के पास खड़ा हूँ, पत्रकार साथियों मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, कंपनी के लोग दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार हिल रही है, दीवार हमारे ऊपर गिर सकती थी, कोई लेना देना नहीं पुलिस को, कोई लेना देना नहीं था ड्यूटी मजिस्ट्रेट को। जब मैं वहाँ से नहीं हटा, उनको ये लगा ये डटे रहेंगे, तो मुझे जबरन निजी कंपनी के बाउंसरों ने धक्के मारे, गाली गलौच की, ऐसे शब्द जो कि उन्होंने बोले मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, इतने अभद्र शब्द बोले गए। वहाँ से हमारा, हमने फैसला लिया कि कंपनी के लोगों ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है, दुर्व्यवहार किया है किसान प्रतिनिधियों के साथ, पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। हमने थाने का घेराव किया, थाने का घेराव करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। जब सामूहिक गिरफ्तारी की बात आई तब ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोला कि 7 दिन का हम समय दे देंगे, जिस किसान का अवार्ड आया हुआ है वो अपना स्ट्रक्चर हटा ले, 7 दिन का समय, हम एक माह का समय मांग रहे थे, फिर 7 दिन के समय उन्होंने दिया, लिखित में वो बात तय हो गई। इसका मतलब अगले गांव में उनको नहीं जाना चाहिए था, फिर अगले गांव में गए, सक्ताखेड़ा गांव में 90 शीशम के पेड़ है, नरेश धारणिया नाम का एक किसान है, 90 शीशम के पेड़ संबंधित कंपनी ने उखाड़ दिए। तहसीलदार हमें कह रहा है कार्रवाई बंद है, उधर गांव में कार्रवाई चल रही है, SHO में कह रहा है नहीं उखाड़ेंगे जी पेड़, उधर जी उखाड़ रहे हैं वो पेड़। उस किसान को 1,20,000 रुपये वीआरसी कंपनी ने रात को खाते में डाले, रात को, जब हमने कहा कि अवार्ड नहीं दिया, रात को खाते में डालकर सुबह बोल रहे हैं जी हमने तो अवार्ड दे दिया। भाई वीआरसी कंपनी को किसने अथोराइज कर दिया कि वो अधिग्रहण भूमि का स्ट्रक्चर का अवार्ड देगी, किसी ने नहीं किया।
अब डीआरओ के पास जब हमारी बैठक चल रही है, अभी भी चल रही है, डीआरओ बोल रहा है कि ये सरासर वीआरसी के लोग गलत है। डीआरओ ने एनएचएआई के लोगों को पूछा कि क्या अवार्ड किसान का, पेड़ों का अवार्ड आ चुका है? एनएचएआई के लोग बोल रहे हैं जी नहीं आया, नहीं आया। तो डीआरओ बोल रहा है मैं पीडी के खिलाफ लिखूंगा सरकार को कि बिना अवार्ड दिए किसानों के पेड़ उखड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार पत्रकार साथियों, सक्ताखेड़ा गांव में कई किसान मजदूरों के मकान आए हैं। ये मकान है, मकान के दोनों तरफ रोड का काम चल रहा है, क्योंकि ये 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, बीच में मकान है। मानसिक स्थिति लोगों की बिगड़ चुकी है। अब जब तक उस मकान का अवार्ड नहीं आएगा, वो दूसरी जगह पुनर्वास कैसे करेगा, दूसरी जगह अपना मकान कैसे बनाएगा? सारी बात तय होगी कि 7 दिन का समय, कल फिर कंपनी के लोग अबूबसर में पहुंचे। रोकना पुलिस को था, वीआरसी के बदमाश जिन्होंने किसानों को धक्के मारे, किसानों को पीटा, हमने एफआईआर दे दी, फिर भी किसान कंपनी के बदमाशों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब आज मुख्य रूप से हम डीआरओ के पास आए और डीसी साहब के पास आए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमारी ये बैठक ऑफिशियल ढंग से उन्होंने तय करवाई थी, डीआरओ के साथ बैठक चल रही है। स्पष्ट मेरा ये आरोप है, डीआरओ, तहसीलदार और दूसरे अधिकारी जिनका कंपनी के साथ, निजी कंपनी के साथ लेन देन हुआ है, बड़ा लेन देन, बिना लेन देन आप मुझे बताओ कि मूक दर्शक बना हुआ था तहसीलदार, मूक दर्शक बना हुआ था कंपनी के लोग हमें जब धक्के मारे थे, तहसीलदार कुछ नहीं बोल रहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम होता है कि क्यों भाई क्यों धक्के मार रहे हो, लेकिन नहीं बोल रहा। इनकी इनके साथ सांठगांठ है, किसान को न्याय नहीं मिल रहा, निजी कंपनी के यूपी बिहार से आए हुए गुंडे जो कि किसानों को धक्के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अवार्ड नहीं दे रहे, मकान किसानों के जबरन तोड़े जा रहे हैं। अब हम डीसी से भी मिलेंगे, डीसी साहब का, उपायुक्त का क्या रवैया रहता है, अगर वार्ता सकारात्मक रहती है तो ठीक है, अन्यथा 9 गांव के किसान नौजवान लामबंद होकर के अपना आंदोलन चलाएंगे। हम किसी भी सूरत में कब्जा नहीं देंगे। किसानों ने कल ये फैसला लिया है कि हम खून दे देंगे लेकिन जबरन लाठी गोली के दम पर कब्जा नहीं देंगे।